नमस्कार, NBC हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम शाहगंज के कटका में आए हैं। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किसे चाह रहे हैं कि कौन उनका जनप्रतिनिधित्व करे, इस बार किसे विधायक बनाना चाह रहे हैं। डॉक्टर सूर्यभान यादव। यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललित कामकाज संतुष्ट नहीं है। कुछ काम नहीं करते यहाँ पे, सागर में कुछ काम नहीं किया, हमारे यहाँ कटकम तो कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए जो है इस बार नया इंसाफ पार्टी की जो होगा उसी में। सूर्यभान जी बेहतर आप लोगों के साथ सुख दुख बराबर रहते हैं। जी 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 बिल्कुल बेहतर। किसे इस बार भरोसे पर ले रहे हैं? हम लोग सूर्यभान को। और ललई के काम का संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। हम लोग सिर्फ डॉक्टर सूर्यभान को चाहते हैं इस बार कोई बड़े बदलाव। किसे चाह रहे हैं इस बार? सूर्यभान, डॉक्टर सूर्यभान। इस पार्टी से आएंगे वही सूर्यभान, उन्हें को टिकट मिलना चाहिए, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ये ललई ललई संतुष्ट नहीं है हम लोग। चलिए और भी लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। इस बार माता जी किसे विधायक बना रही हैं? निषाद पार्टी जो आएगा, निषाद पार्टी। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो विधायक रहे हैं शैलेंद्र यादव ललई, उनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। इस बार किसे विधायक बना रहे हैं? हम डॉक्टर सूर्यभान को विधायक बनाना चाहते हैं निषाद पार्टी से। तो अगर ललई की बात की जाए तो उनके कामकाज से कितना संतुष्ट? ललई ललई यहाँ पर कुछ काम नहीं किए। किसे विधायक बना रहे हैं? डॉक्टर सूर्यभान यादव। वोटर हैं आप? जी अभी नहीं, घर वालों से लेकिन क्या कहेंगे? डॉक्टर सूर्यभान यादव कहेंगे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ के जो है आप देखे होंगे काफ़ी लंबे समय से, आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ के विधायक काफ़ी लंबे समय, जब से आप जानकार होंगे तब से शैलेंद्र यादव लड़ाई हैं, कुछ काम काज बेहतर नहीं हुआ है? जी नहीं, वो कभी यहाँ पर आते ही नहीं, कोई काम काज से हम उनके काम काज से संतुष्ट नहीं हैं। जी हमें कोई नया विधायक चाहिए जो कि हम बनाना चाहते हैं डॉक्टर सूर्यभान यादव जी को। किसे इस बार विधायक बना रहे हैं? सूर्यभान यादव जी को। ये बताइए यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललई के काम करते हैं उससे इसलिए संतुष्ट नहीं हो, जात पात की राजनीति करते हैं उसी से हम नहीं सोचते। इस बार बदलाव चाह रहे हैं? हम नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र बदलाव चाहते हैं। चलिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अधिकांश लोगों के भरोसे पर कौन है और किसे लोग विधायक बना, इस बार किसे विधायक बना रहे हैं माता जी? सूर्यभान यादव को, संजय टाटा निषाद पार्टी से सूर्यभान यादव को हम लोग विजयी बनाना चाहते हैं। जी हाँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे जो है विधायक रहे हैं शैलेंद्र यादव ललई, उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज कुछ नहीं है, सूर्यभान यादव झंडा उच्चे रहे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, इस बार किसे विधायक बना रही हैं? निषाद पार्टी जिंदाबाद। यहाँ वर्तमान विधायक जो है शैलेंद्र यादव ललई, उनका कामकाज कैसा रहा है? यहाँ काम आती ही नहीं है, काम काज क्या करेंगे? हम लोग सूर्यभान यादव को जानते हैं, विजयी बनाएंगे निषाद पार्टी से। इस बार किसे भरोसे पर ले रही हैं? सूर्यभान यादव, सूर्यभान यादव। अच्छा शैलेंद्र यादव ललई के काम काज से कितना संतुष्ट यहाँ विधायक रहे हैं? चलिए इस बार किसे विधायक बनाएंगी आप? सूर्यभान यादव। अच्छा एक चीज ये बताइए, यहाँ पे काफी लंबे समय से जो है यहाँ विधायक रहे हैं शैलेंद्र यादव ललई, उनके काम काज से कितना संतुष्ट, आप लोग सुख दुख कभी सहभागी बनते हैं? हम लोग ना संतुष्ट हैं, हम लोग सूर्यभान यादव के। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम गांव के महिलाओं से भी बातचीत की और कुछ यहाँ के बुजुर्गों से बात की, कुछ यहाँ के युवाओं से, कुछ यहाँ के नागरिकों से बात की, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में वो डॉक्टर सूर्यभान यादव को भरोसे पर ले रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि यहाँ के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव उतना उनके सुख दुख में सहभागी नहीं बने हैं और ना ही बेहतर तरीके से काम किए हैं, इसलिए वो पूरी तरह से इस बार बदलाव चाहते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।